हेलो एवरीवन, मैं और ये तो स्वागत आप सभी का गैजेट वाले चैनल में। और आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट केबल्स के बारे में और बात करेंगे कि वो केबल्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लीजिए HDMI केबल, DVI केबल, या लीजिए आप VGA केबल या डिस्प्ले पोर्ट्स। तो वहाँ पे आप डिस्प्ले केबल्स के द्वारा या इन सभी केबल्स के द्वारा आप कैसे काम करेंगे, इसका यूसेज क्या है और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो इसी के ऊपर हम लोग ये वीडियो आज बना रहे हैं। तो चलिए और देरी ना करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। बॉक्सर टाइगर रिजर्व पे जो कि नॉर्थ बंगाल के अंदर पड़ता है और वेस्ट बंगाल के अंदर ही है ये। और यहाँ पे जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे चारों तरफ फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे नदी है मेरे सामने ही एक। तो सोचा कि आपके लिए एक टेक्निकल वीडियो लाया जाए यहाँ पे, क्योंकि जो एनवायरमेंट है बहुत ही अच्छा है, ज्ञान लेने के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पहला जो केबल के बारे में बात करूंगा वो है VGA केबल, जिसका मतलब है वीडियोग्राफिक एरे। और इस केबल के द्वारा हम लोग पहले क्या करते थे, 1987 में ये लॉन्च हुआ था और बहुत ही पुराना टाइप का ये केबल है जो कि एनालॉग के ऊपर काम करता है, एनालॉग सिग्नल ट्रांसफर करता है। तो इसका जो बेसिक आइडिया था कि जो भी वीडियो होगा, जो पहले था 640x480 वाला रेजोल्यूशन वाला वीडियो था, उसको वह ट्रांसमिट कर सकता है कोई भी टीवी पे या कंप्यूटर पे। तो बेसिकली ये था 15 पिन एक केबल था जिसके द्वारा बहुत ही मिनिमम रेंज पे, बहुत ही एक बेसिक लेवल पे हम कोई भी वीडियो को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रांसफर कर सकते थे। उसके बाद इसका ही थोड़ा एक इंप्रूवमेंट आया DVI केबल, जिसका डिजिटल विजुअल इंटरफेस, जहाँ पे थोड़ा इसका इंप्रूवमेंट देखा गया, थोड़ा इसका जो सपोर्ट है वो इसका रेजोल्यूशन, वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा यहाँ पे बढ़ा, लेकिन केबल का लेंथ भी इसमें थोड़ा बढ़ा था। और इसका बहुत सारे टाइप भी था, जैसे DVI-I, DVI-A, DVI-B, जहाँ पे DVI-I काम करता है, एनालॉग डिजिटल बोथ दोनों के ऊपर ये काम करता है, लेकिन DVI-A जो था वो था मेनली एनालॉग के ऊपर, स्ट्रॉन्ग एनालॉग सिग्नल के ऊपर ये काम करता है। जैसे DVI-B भी था यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल के ऊपर ये काम करता है। तो ऐसे ही DVI के बाद यहाँ पे आए HDMI, जिसका मतलब है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों ही आप एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो ही देख सकते हैं या आप सिर्फ ऑडियो ही सुन सकते हैं, यहाँ पे वीडियो ऑडियो दोनों ही एक साथ यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। और जिसके साथ आपके एक कोई भी एक वीडियो को, कोई भी एक सिनेमा हो, गेम हो, 3D कोई इमेज हो, इसको आप बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे, सुन पाएंगे और आराम से कोई भी गेम भी यहाँ पे खेल पाएंगे, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन है वो डायरेक्ट 4K तक यहाँ पे सपोर्ट करता है। इसका भी बहुत सारा वर्जन है, जैसे 1.5 लीजिए, 1.6 लीजिए, लेटेस्ट जो वर्जन है वो है वर्जन 2.1, जो कि 10K रेजोल्यूशन तक भी ये सपोर्ट कर सकता है। और इसका जो सिग्नल है वो हमेशा डिजिटल सिग्नल के ऊपर ही काम करता है। इसके बाद आते हैं डिस्प्ले पोर्ट के ऊपर या डिस्प्ले केबल के ऊपर। ये डिस्प्ले केबल और भी एक ज्यादा एनहांस्ड वर्जन है ये HDMI केबल का, बिकॉज जो डिजिटल केबल्स है वो 8K तक, 4K तक बहुत ही आराम से सिर्फ ऑडियो और वीडियो को ही नहीं, ये जो नेटवर्क है, जो इथरनेट है, उसको भी ये सपोर्ट करता है, कोई भी नेट भी आप चला सकते हैं इसके द्वारा। तो बहुत ही एक अच्छा वाला यह केबल यहाँ पे निकल के आया है। डिस्प्ले पोर्ट वाला जो केबल है इसका जो प्राइस है वो भी बहुत महंगा आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे केबल्स का अलग अलग यहाँ पे यूसेज है। जैसे पहले था सिर्फ आप वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए अलग अलग पोर्ट्स यूज़ करते थे। 3 पोर्ट वाला पहले आता था कि आप सिर्फ वीडियो के लिए लगाएं, उसके बाद आया 3.5mm जैक आया, या बहुत सारे ऑडियो और वीडियो पोर्ट्स आए। लेकिन HDMI एक ऐसा पोर्ट है जहाँ पे आप, जिसके द्वारा आप ऑडियो वीडियो दोनों को एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में कि कौन सा केबल का यूसेज क्या है और प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और जो एनवायरनमेंट है आज का यहाँ पे, मैं जो यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आपको एक बार दिखा लेता हूँ चारों तरफ का नज़ारा कैसा है। तो ऐसा ही है नज़ारा और यहाँ पे चारों तरफ फॉरेस्ट एरिया है। तो सोचा आपके लिए कुछ नया कुछ लेके आया जाए, नया कुछ टेक्निकल वीडियो यहाँ पे लेके आया जाए। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।